गीता। इसे प्रपोज करने के लिए 3 साल लग गए, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर खुद प्रपोज कर दिया। हमारा लव मैरिज हुआ है। बाय। हेलो, लेट मत करना। बाय। गीता दीदी, गीता दीदी। कौन दीदी? एक सलाह देता हूँ, सुनो। बोलो। मेरे ऑटो के पीछे क्या लिखा है जरा देख लो। व्हाट? मुश्किल से कमाया हुआ पैसा और चाहने वाले लड़के को कभी भी हाथ से निकलने मत देना। आसमान के तारे खुद जमीन पर उतर कर आए हैं, ऐसी लग रहा है। ये ले लो बेटी। क्या है माँ जी? तुम खुद खोल कर देख लो। किसने दिया माँ जी आपको ये? एक खूबसूरत लड़का राजकुमार ने दिया बेटी। वहाँ उसे देखो। मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है, पर उससे भी कीमती मेरे लिए सिर्फ एक औरत है, मेरी माँ। और उस माँ की कसम खाके कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। मिस्टर हार्डवेयर अंकल, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है हार्डवेयर, पैर हटा लो। ए, रोक 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 रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, पीछे ले। उस दिन जब थिएटर में इंक्वायरी किया था उसने बोला था कि व्हाइट जीप में आया था ना? हाँ भाई। ये मनो, वो अंदर ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना है ना, वही है। ठीक है भाई। अरे क्या बात है, चल इधर से हट। तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है, क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं? एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे, तेरी तो। ए, और कौन इसके साथ? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंडे लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वायरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरह धो डाला भाई। छोड़ना मत उसे। भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, चल फोन रख। सुनिए, 10 सालों के बाद आप गांव जा रहे हैं, राजा को भी साथ में लेकर जाइए ना। उसकी माँ राजी नहीं होगी। इस घर का वारिस है वो, कुल देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, कोई अच्छा समय देख के मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते माकिन। शोभा, बच्ची के लिए थोड़ा दूध लेकर आऊंगी क्या? ठीक है। आओ लावण्या, कैसी हो? बुआ, मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया। मेरी वजह से राजा को घर छोड़ के जाना पड़ा। उस दिन की गलती की वजह से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बुआ। ए, कल रात को जिन लोगों ने लफड़ा किया था वो कौन है? मुझे पक्का पता है कि यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। वो कौन है, कहाँ रहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। बाजार के लड़के लोग सर। बाजार के लड़के लोग? बोलो तोरी। भाई पता लग गया है, वो बाजार का ही छोकरा है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, जान तो मार दो। ठीक है भाई। हाँ। चलो रे। नमस्कार। नमस्ते। ये किस लिए भाई? आइए आइए, ये सब आपके स्वागत के लिए।
सुनिए सत्यराज भाई, अब आप ही को इस मंदिर का धर्मरक्षक बनकर रहना है, ऐसा हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है। सभी को मेरा नमस्कार। इस रजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। अधिकार हाथ में आया तो तुम जो चाहे भगे जाओगे क्या बे? हमें बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ समझा हमें क्या है? हमें बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ कहीं का। अरे छोड़ो, इज्जतदार आदमी है वो, ऐसे उसकी इज्जत नहीं उतारने का। चलो दिन मंदिर में सबके सामने उसने मुझे चप्पल से मारा और आज अपने गुंडे के जरिए सत्यराज के मुंह पे तमाचा मारकर उसकी बेइज्जती की। इस गांव में उसके अन्याय को रोकने वाला कोई भी मर्द नहीं है क्या? कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। इतने समय से अपनी गुंडागर्दी से हम सबको डरा रहा है। ऐसे किसी इंसान को बुलाना होगा जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, तब जाकर उसको अकल आएगी। हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखाने का कोई फायदा नहीं, जड़ से उखाड़ना चाहिए। राज्य का पालन करने वाला राजा वनवास गया ये जानने के बाद गली का कुत्ता भी पूंछ हिलाकर सीना तान कर घूम रहा है और ये लोमड़ी लोग भी राजवंशी होने का रोब जता रहे। आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे घर के चौखट में आने की हिम्मत नहीं होती। अगर भाई यहाँ रहता तो चटनी के जैसे ही सबको पीस डालता, इनकी गुंडागर्दी निकल जाती। इन लोगों की हिम्मत नहीं होती। अगर मेरा भाई यहाँ पे होता। माँ, भाई कहाँ है? उसे बुलाओ यहाँ। बदमाश, कितनी बदमाशियां करते हैं। मारूंगी तुझे। करेगा चोरी, करेगा तू, बोल। हाँ, अरे माँ, गलती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो। हेलो हेलो माँ, माँ जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आ। आता हूँ माँ। अजय किधर रहता है? उस तरफ। अजय है क्या? नहीं है। क्या बात है? फाइनेंस के बारे में बात करनी थी। कहाँ मिलेगा? गांव गया। गांव किधर? कोतनाली। कोतनाली भाई, वो कोतनाली गया है भाई। कोतनाली गाँव का है वो? हाँ भाई। आ जल्दी आ, लड़के लोगों को लेके आ। अभी आ रहा हूँ भाई। तुझे क्या मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ? इधर कॉफी रखेगी या यहाँ रखेगी? चल। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे।
मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। उसका हाथ तोड़ डाल। कौन है तू?